पटना के रेलवे माल गोदाम में आधा सैकड़ा ट्रकों के पहिए जाम हो गए। पिछले एक माह से रैक की अनिश्चितता के चलते खाद्यान्न परिवहन लड़खड़ा गया है। रेलवे माल गोदाम में 10 दिनों से चावल के लोड अनलोड ट्रक इंतजार में खड़े हैं। रेलवे माल गोदाम में पिछले 10 दिनों से ये ट्रक इसी तरह से खड़े हैं। इन्हें एक दिन का परिवहन देने की बात पर लाया गया था। ट्रक से चावल अनलोड नहीं होने पर इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेलवे माल गोदाम में खड़े ट्रक चालक काफी परेशान हैं। इसके चलते उन्होंने विरोध जताया और हंगामा भी किया। वहीं सूत्रों की माने तो अभी रैक आने का कोई समय निश्चित नहीं है। ये समस्या पिछले एक महीने से बनी हुई है। रैक पॉइंट में अनिश्चितता के चलते ट्रकों से अनलोडिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं इस बारे में प्रशासन का कहना है कि रेलवे विभाग में उनके द्वारा बात की गई थी कि एक या दो दिन में रेलवे के रैक लग जाएंगे और काम व्यवस्थित हो जाएगा, पर इस मामले में कुछ भी नहीं बोला गया। वहीं तीन दिन से खड़े ट्रक मालिकों को जो नुकसान हुआ, क्या रेलवे प्रशासन या जिला प्रशासन उसकी क्षतिपूर्ति की आपूर्ति कर सकेगा या नहीं? अच्छे खासे रेटों में टेंडर लेते हैं, उसका पूरा पैसा दबा के रख लेते हैं। आज एक मजदूर आदमी अगर मजदूरी करता है उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। आप शोषण कर रहे हैं, आप ये कहते हैं हमारी बात नहीं हुई थी। जनाब, ये पिछले दिनांक 1 तारीख से यहाँ सभी वाहन खड़े हैं और आज 10 हो गया, 10 तारीख तक में भी इनके कहीं मतलब अनलोड होने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। जिस ठेकेदार के माध्यम से लोड हुए थे ये ट्रक, अब उनके सब जो जवाब है वो सब गोलमाल जवाब दे रहे हैं। दूसरी चीज, इनको कोई देखने वाला नहीं है। तीसरी चीज, यहाँ 10 दिन से जो गाड़ियां खड़ी हैं तो ड्राइवरों के पास न खाने के लिए पैसा है, न पीने के लिए पानी, यहाँ कोई किसी प्रकार की सुविधा है ही नहीं। और सबसे जो चौथी बड़ी बात है कि प्रशासन इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इतने मतलब इतनी बड़ी तादाद में ट्रकों में लदे चावल आज 10 दिन से खुले लावारिस स्थिति में पहुंचा, मतलब पड़ा हुआ है। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। 1 तारीख से लदी गाड़ियां 10 तारीख हो गई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। न तो ड्राइवर के पास खाने पैसा है, न तो कुछ है। इनको 7 रुपए रोज चाहिए। ड्राइवर हमारे 2 भाग गए चुके हैं, 2 ड्राइवर बचे हैं। किस्त गाड़ी है, किस्त हमारा 70,000 रुपए है एक गाड़ी के 40,000। अब बताइए, अगर 10 दिन यहाँ गाड़ी खड़ी रहेंगी तो हम कहाँ से किस्त दे पाएंगे? लेकिन जब गाड़ी रेक नहीं लगेगा तो हम हल्टिंग नहीं देंगे। आप लोग जिसको लगाना है आप गाड़ी लगाइए, नहीं लगाना ना लगाइए। कोई ऐसा नहीं है कि रेक कल लगेगा, पर जब भी लगेगा तो गाड़ी खाली होगी और नहीं तो गाड़ी। ये इस तरह का मामला हम लोगों के संज्ञान में आया था कि कुछ जो शासकीय धान और इनके परिवहन करता है, इनका कुछ रेक मिलने वाला था प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से जो बाहर जाता है, लेकिन वो रेक समय पर नहीं लग पाने के कारण यहाँ काफ़ी सारे ट्रक्स के रेलवे स्टेशन के आसपास खड़े होने की सूचना थी। इस पर फिर हम लोगों ने रेलवे अधिकारियों से बात की, जो संबंधित ट्रांसपोर्टर हैं उनको बुला के चर्चा की थी और उसके माध्यम से स्पष्ट हुआ कि 1 या 2 दिनों में रेक लग जाएंगे। आज रेक नहीं लग पाई है, कल रेक लगने की पूरी संभावना है और कल मेरे ख्याल से समस्या का समाधान भी हो जाएगा।